नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केवल एक क्लिक में कॉलेज के विद्यार्थी पा सकेंगे अपनी मनपसंद किताबें। इस दिन सिंगापुर से बिहार वापस लौट रहे लालू यादव। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखी चिट्ठी। भारत ने एक बार फिर किया 200 से ज्यादा चाइनीज एप्स ब्लॉक। एशिया कप 2023 को लेकर पीसीबी अध्यक्ष ने बीसीसीआई को दे दी धमकी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीपीए ने 108 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना यानी कि NATS ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण यानी कि DPA के तहत 108 अप्रेंटिस पदों के लिए अधिसूचना जारी किया है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने वर्ष 2023-24 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस, स्नातक, इंजीनियर, टेक्नीशियन, सामान्य स्ट्रीम और तकनीकी डिप्लोमा के विषयों में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और उम्मीदवार इन पदों के लिए 20 फरवरी 2023 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://portal.mhrdnats.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि एक बार आपको इस संबंध में विवरण के लिए अधिसूचना की जाँच करने की सलाह दी जाती है। केवल एक क्लिक में कॉलेज के विद्यार्थी पा सकेंगे अपनी मनपसंद किताबें। नए सत्र से अनुसंधान में और बिहार के विश्वविद्यालयों में इंटरनेट युग की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। ई लाइब्रेरी की सुविधा को पहले चरण में दी जाएगी। केवल एक क्लिक में विद्यार्थियों के मनपसंद ई बुक और रिसर्च जर्नल उपलब्ध हो जाएंगे। अपने विद्यार्थियों को शिक्षक वर्तमान वैश्विक युग के किसी भी नए टॉपिक को समझ कर आसानी से समझ सकेंगे। अप्रैल के महीने से बिहार के विश्वविद्यालयों में होने जा रहा यह क्रांतिकारी बदलाव का पहला चरण शुरू होगा। सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रदेश के 1,00,000 से भी अधिक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों को पहले चरण में ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। वहीं स्नातक के विद्यार्थियों को यह सुविधा अगले चरण में दी जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे चंद्रधारी संग्रहालय के बारे में। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह संग्रहालय दरभंगा जिले में दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। आप यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस संग्रहालय के बाहर एवं अंदर बहुत सारी वस्तुएं देखने के लिए मिलती है जो प्राचीन, धार्मिक और प्राकृतिक है। यहां पर आपको संग्रहालय के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा देखने के लिए मिलता है जिसमें पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। यहां पर रामायण की बहुत सारी कहानियों को दिखाया गया है और के प्रमुख लोगों को भी दिखाया गया है। संग्रहालय के अंदर आपको प्रतिमा, कीमती पत्थर, युद्ध में उपयोग किए गए हथियार, सिक्के, कांच से बना हुआ सामान देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर आपको पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलती है। बता दें कि संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी। इसमें चंद्रधारी सिंह जी के द्वारा दी गई वस्तुओं का संग्रह है जिस वजह से इसका नाम चंद्रधारी संग्रहालय रखा गया। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं और बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आधार से पैन को लिंक करवाने का ये है आखिरी तारीख। अगर आप भी उन लोगों में हैं जिनका आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि सरकार के द्वारा पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आधार से पैन लिंक नहीं होता है तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। वहीं सरकार के द्वारा इसके लिए तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि निर्धारित की गई तारीख के अनुसार आपको 31 मार्च 2023 तक 1,000 का शुल्क देकर आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बिजनेस और टैक्स से जुड़े कामों में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि मार्च के बाद आपका पैन वैध नहीं रहेगा। दिघा, सोनपुर और शेखपुरा दिघवाड़ा के बीच 6 लेन वाले पुल का निर्माण इसी वर्ष से होगा शुरू। 6 लेन के पुल का निर्माण इसी वर्ष गंगा नदी पर दिघा, सोनपुर और शेखपुरा दिघवाड़ा के बीच शुरू हो जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसी महीने शेखपुरा दिघवाड़ा पुल के निर्माण के लिए एजेंसी का चयन किया जाना है। एजेंसी के चयन के बाद उम्मीद है कि अप्रैल के महीने से पुल निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि दिघा, सोनपुर के बीच बनने वाला 6 लेन का पुल लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा होगा। इसका निर्माण कार्य भी इसी वर्ष किया जाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ईपीसी मोड पर इसके निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसी साल वर्तमान जेपी सेतु के समानांतर और करीब 180 मीटर पश्चिम में एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज का निर्माण भी होना है। उम्मीद है कि साल 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
भारत नेपाल की सीमा पर तीन तस्कर गिरफ्तार। दुर्लभ प्रजाति के 10 सांपों के साथ तीन तस्करों को भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 52B वाहिनी के जवानों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि वन विभाग के हवाले जब्त सांपों के साथ गिरफ्तार तस्करों को कर दिया गया है। 620 रुपए की नेपाली मुद्रा और 4244 रुपए की भारतीय मुद्रा भी इन तस्करों के पास से बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक से होते हुए तस्कर लैलोखड़ खरबन्ना सीमा से नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में दाखिल कर रहे थे। बता दें कि एसएसबी अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से इस मामले की जांच की जा रही है। जातीय गणना में ली जाने वाली जानकारियां ऑनलाइन भी मौजूद। दूसरे चरण के जाति आधारित गणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि अप्रैल महीने से ये गणना किया जाना है, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के शुरुआत से जाति आधारित गणना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी तक किसी तारीख को तय नहीं किया गया है। एक निर्धारित फॉर्मेट में लोगों से करीब 2 दर्जन सवाल पूछ कर भरे जाने हैं। बताया जा रहा है कि इन जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट भी किया जाएगा ताकि लोग इन जानकारियों को देख सके। लगभग 13 करोड़ से भी अधिक फॉर्म को दूसरे चरण में छपवाने की योजना बनाई गई है। सरकार के स्तर पर 2 दर्जन से भी अधिक प्रश्न वाले फॉर्मेट का अंतिम रूप दिया जा रहा है। पटना समेत 16 जिलों का लुढ़का पारा। राजधानी समेत प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना होने से तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। सुबह कुहासा के साथ दिन भर ठंड का असर दिखा। दोपहर में धूप निकली लेकिन गर्माहट नहीं रही। इसके कारण दिन भर बदन से गर्म कपड़े नहीं उतरे। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बने होने के साथ अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। राजधानी व आसपास हल्के कोहरे का असर रहेगा। मौसम विज्ञानी ने बताया है कि वातावरण में अचानक नमी युक्त हवा के प्रवेश करने तथा अधिकतम तापमान में कमी के कारण मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। तराई क्षेत्र में ठंडी हवा का बहाव रहा, यह स्थिर नहीं रहेगा। 2 दिन के अंदर सब कुछ सामान्य रहेगा, मौसम साफ व शुष्क हो जाएगा। फरवरी महीने में प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में सामान्य से कम वर्षा के आसार है। वहीं न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार है। इस दिन सिंगापुर से बिहार वापस लौट रहे लालू यादव। बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले काफी हलचल है। इसी बीच 10 फरवरी को सिंगापुर से आरजेडी के नेता लालू यादव वापस दिल्ली लौट रहे हैं। दरअसल इस बात की जानकारी आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी द्वारा ट्वीट कर दी गई है। बता दें कि लालू यादव अपने स्वास्थ्य संबंधित इलाज के लिए सिंगापुर गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि उनके वापस यहां आने से राजनीतिक गलियारों में कुछ बदलाव हो सकता है। बता दें चले कि पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीशा भारती के साथ लालू यादव 10 फरवरी को दिल्ली आएंगे। उसके बाद उनके पटना आने की भी संभावना है। कटिहार में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा में बवाल। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान कटिहार पहुंचे। बता दें कि इसी कड़ी में उनकी समाधान यात्रा में आम लोगों के द्वारा जमकर बवाल किया गया। दरअसल बवाल कर रहे लोगों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे ताकि कुछ समाधान निकाला जा सके, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और सीधे निकल गए। युवकों ने कहा कि हम पढ़े लिखे होकर सब्जी बेच रहे हैं, मुख्यमंत्री की आखिर ये कैसी समाधान यात्रा है जहां वो आम लोगों से भी नहीं मिल रहे। बता दें कि हंगामे के दौरान युवकों के द्वारा आगजनी भी की गई, जिस वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि इस हंगामे को जिला प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद खत्म किया गया। 100 वर्ष पुरानी मूर्तियां शिवहर जिले के एक मंदिर से हुई चोरी। बिहार के शिवहर जिले में स्थित अंबिकेश्वरी नाथ मंदिर से चोरी की एक घटना सामने आई है। दरअसल मामला नगर थाना क्षेत्र के चुगड़ा पोखर के पास का है, जहां चोरों ने लाखों रुपए के अष्ट धातु के सभी मूर्तियों को चोरी कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार ये मूर्तियां करीब 100 वर्ष पुरानी थी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। भक्तों के मंदिर से मूर्ति चोरी होने के कारण काफी आक्रोश भी देखा गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मंदिर का मुआयना किया, साथ ही साथ पुजारी प्रबंधक और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आदित्य कुमार के बारे में। आदित्य कुमार के भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जो हिंदी सिनेमा में अनुराग कश्यप के फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। आदित्य ने पटना से फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए बिहार से मुंबई वर्ष 2009 में आए थे। आदित्य अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर टाइम्स द्वारा सबसे आशाजनक पुरुष अभिनेता के नॉमिनेट किए जा चुके हैं। आदित्य ने अपने करियर की शुरुआत गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 से की थी। इस फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों द्वारा बेहद सराहा गया था। इसके बाद वह बैंचो कैरी ऑन कुट्टन में नजर आए। अब इसके साथ ही वशशांक खेतान निर्देशित और ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म धड़क में भी नजर आ चुके हैं।
जदयू और लोजपा ने जारी की नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और लोजपा रामविलास के द्वारा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि जेडीयू के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें 8 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। एमएलसी अफाक अहमद खान की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह जदयू की पहली सूची है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें 19 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागालैंड चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी हेलीकॉप्टर चिन्ह के साथ चुनाव लड़ेगी। मालूम हो कि नागालैंड चुनाव के लिए लोजपा के द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। दो दिन पहले ही लोजपा ने जेडीयू के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, जिसे जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागालैंड में चुनाव 27 फरवरी को किया जाएगा। भारत ने एक बार फिर किया 200 से ज्यादा चाइनीज एप्स ब्लॉक। बीते दिन गृह मंत्रालय के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि भारत के द्वारा चीन के उन सभी एप्स को प्रतिबंध किया जा रहा है जो हानिकारक होते हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जिन एप्स को प्रतिबंध किया जा रहा है उनमें 138 वैसे एप्स हैं जो इमरजेंसी और अर्जेंट आधार पर सट्टा लगवाते हैं और 94 ऐसे एप्स हैं जो लोन देते हैं। मालूम हो कि इन सभी ऐप्स को बंद करने का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार ये सभी ऐप्स भारतीय नागरिकों की निजी डेटा तक पहुंच सकते हैं और साथ ही ये सभी ऐप आईटी अधिनियम की धारा 69 का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो भारत के संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यही वजह है कि इन सभी ऐप्स को भारत में प्रतिबंध किया जा रहा है। NIA की छापेमारी में 5 संदिग्ध हिरासत में। नेता की हत्या और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर उड़ाने की धमकी को लेकर NIA के द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि बीते दिन की गई कार्रवाई में NIA के द्वारा संदेह के आधार पर 5 संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है वे सभी नेता की हत्या की साजिश रच रहे थे और इससे जुड़े कुछ साक्ष्य भी NIA के हाथों लगे हैं। वहीं इस मामले पर शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए NIA के द्वारा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि अब तक NIA और जिला पुलिस के द्वारा पुष्टि करते हुए केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी बताई गई है। बता दें कि छापेमारी के दौरान NIA की टीम के हाथों कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी लगे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासी हलचल। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा शिवहर में बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में अपने समाधान यात्रा के दौरान कहा था कि कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास मंत्रिमंडल का विस्तार करने का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का मंत्रिमंडल पर अधिकार नहीं है, उस पर केवल सीएम का अधिकार है। वे जिसे चाहेंगे रखेंगे, जिसे नहीं चाहेंगे नहीं रखेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो भी फैसला होगा उनका फैसला होगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अन्य दलों की अपेक्षा हमारे दल के नेताओं की संख्या कम है, जिस वजह से कांग्रेस को मंत्रिमंडल में कम से कम 4 मंत्री पद और दिया जाना चाहिए। सीएम ने इस बारे में मेरे से बात करने पर सहमति भी जताई है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखी चिट्ठी। जेडीयू के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने जेडीयू के आम कार्यकर्ताओं के नाम पर एक बगावती चिट्ठी लिख दी है। बता दें कि उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि जेडीयू पार्टी कमजोर होते जा रही है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को लगना होगा। मैंने इस बारे में लगातार मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया है, लेकिन मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1.5 महीने से पार्टी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूं और आज भी कोशिश करूंगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरी बातों को मुख्यमंत्री अनदेखा कर दे रहे हैं। अब हम सभी को मिलकर इस पर विचार विमर्श करना होगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी 19 और 20 फरवरी को सुबह 11 बजे सिन्हा लाइब्रेरी के पास पहुंचे, जहां हम सभी पार्टी के बचाने को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर का बिहार सरकार पर आरोप। एनआईए की छापेमारी 2 दिनों से लगातार बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जारी है। 5 संदिग्धों को अभी तक हिरासत में ले लिया जा चुका है। इसी बीच राज्य को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को अड्डा बनाने का आरोप भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव द्वारा बिहार सरकार पर लगाया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि बिहार सरकार के लापरवाही के कारण बिहार पीएफआई का अड्डा बनता जा रहा है। अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल राज्य ही नहीं देश के लिए भी खतरनाक है। इससे पहले कि कोई फन उठाए उसे कुचल देना चाहिए।
मोदी सरकार पर ललन सिंह का हमला। केंद्र सरकार पर जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने अडानी समूह को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी समूह में LIC का निवेश मोदी सरकार के कारण हुआ है और अब आम लोगों के हजारों करोड़ों रुपए डूब गए। बावजूद इसके मोदी सरकार इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ललन सिंह द्वारा पूरे मामले में दाल काला होने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अब तक जो सच्चाई उभर कर सामने आई है वह बताती है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त एक कॉरपोरेट घराने ने अब तक का सबसे बड़ा 81,000 करोड़ का आर्थिक घोटाला करके देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त तो कर ही दिया, साथ ही साथ देश के करोड़ों लोगों ने LIC में अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जो निवेश किया था वह भी अंधकारमय हो गया है। हिंडनबर्ग के एक खुलासे से LIC को एक दिन में 18,000 करोड़ का घाटा हुआ जो इस देश के आम लोगों का पैसा था। इस मुद्दे पर सरकार संसद में बहस कराने से क्यों भाग रही है? ताल में जरूर कुछ काला है। विजय कुमार सिन्हा के घर चोरों ने की चोरी, FIR दर्ज। बिहार में चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वे आम लोगों के साथ साथ नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे। बता दें कि ताजा मामला बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का है, जहां चोरों के द्वारा उनके निजी आवास में घुसकर लगभग 1.5 लाख के सामान का चोरी कर लिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर विजय कुमार सिन्हा के द्वारा पटना के गांधी मैदान में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज होने के बाद इस मामले को लेकर एक्टिव हो गई है और लगातार चोर की खोज में जुटी हुई है। इस बारे में विजय कुमार सिन्हा के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी गई है कि उनके घर से चोरों के द्वारा कुछ जरूरी कागजात और घड़ी की चोरी की गई है। बता दें कि इससे पहले भी चोरों के निशाने पर बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह भी आ चुके हैं। एशिया कप 2023 को लेकर PCB अध्यक्ष ने BCCI को दे दी धमकी। एशिया कप 2023 को पाकिस्तान में आयोजित न कर कहीं और आयोजित होने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने BCCI को चेतावनी दी थी कि उनके फैसले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप 2023 को लेकर 4 फरवरी को बहरीन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि पाकिस्तान वर्तमान में आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिस वजह से एशिया कप जैसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट का आयोजन करने में पाकिस्तान असमर्थ हो सकता है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एक बार फिर बैठक में सेट्ठी ने शाह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत सितंबर के आयोजन से हटता है तो पाकिस्तान विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि एशिया कप 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के 3 स्थलों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस फैसले को स्थगित रखा गया है। भारत में आज की तारीख है बेहद खास। 1959 में भारत में केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में अन्ना चांडी को नियुक्त किया गया। वह उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी। देश का पहला पेशमेकर बैंक 1999 में कोलकाता में स्थापित हुआ। 6 फरवरी 2002 के दिन भारत ने सीमा में घुस आया पाकिस्तान के जासूसी विमान को मार गिराया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6 फरवरी साल 2008 को आइसलैंड के राष्ट्रपति रेगरा ग्रिमसन से बातचीत की। 6 फरवरी 2008 को ही देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उद्योगपति MP जिंदल को उद्योग रत्न से नवाजा गया। 6 फरवरी साल 2009 में भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। 1890 में भारत रत्न सम्मानित महास्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ। 1983 में भारतीय क्रिकेटर S. श्रीसंत का जन्म हुआ। 1965 में स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का निधन हुआ। वायलखंड में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि समग्र शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट बताकर एक फर्जी वेबसाइट SAMAGRASHIKSHA.org विभिन्न पदों पर नौकरी देने का दावा कर रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट सरकार के संबंध नहीं है। भारत की प्रामाणिक जानकारी के लिए SAMAGRA.education.gov.in देखें। राजस्थान में हो रही कियारा सिट की शादी में रहेंगे नो फोन पॉलिसी वाले रूल। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 6-7 फरवरी को होने वाले शादी में नो फोन पॉलिसी वाले नियम की घोषणा की गई है। साल 2023 में बॉलीवुड इंडस्ट्री की यह पहली शादी होगी। बता दें कि शादी राजस्थान में होने जा रही है। बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने भी बीते वर्ष राजस्थान के सवाई माधोपुर में ही अपनी शादी की थी। उन्होंने भी अपनी शादी में नो फोन पॉलिसी वाले नियम की घोषणा की थी। बता कि इसी जोड़ी के शादी वाले रूल को देखते हुए सिद्धार्थ और कियारा ने भी अपनी शादी में नो फोन पॉलिसी वाले रूल की घोषणा की है।
इंस्टाग्राम में ऐसे अनेबल करें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए वर्चुअल वर्ल्ड वर साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। कई बार यूजर्स की पर्सनल चैट से लेकर पर्सनल जानकारियां लीक हो जाती है, जो यूजर के हित में नहीं होता है। अगर आप भी सोशल मीडिया के पॉपुलर ऐप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं तो आपको भी अपनी चैट सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए मीटा के इस प्लेटफॉर्म पर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की सुविधा मिलती है, यानी दो लोगों के बीच की गई चैट कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता है। सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करें, डीएम सेक्शन पर जाना होगा, टॉप राइट कॉर्नर पर प्लस आइकन पर टैप करना होगा, जहां स्टार्ट एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड चैट ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद जिस दोस्त की चैट को सुरक्षित करना चाहते हैं उसे सर्च बार पर जाकर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर चैट बटन पर टैप करना होगा, यहाँ एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का एनेबल करना होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सैफुल्ला, रुपेश कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, नुसरत बनो, राजीव कुमार, शंकर मुखिया, सैलजा कुशवाहा, सोगड़ा अंजुम, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, प्रहलाद कुमार, कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा चाइनीज ऐप को हमारे देश में प्रतिबंध करना कितना सही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।